हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए पहले समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है? जैसे आपने किसी भी पर्सन से 100 रुपये लिए 10% ब्याज की दर पे वार्षिक, तो 100 का 10% निकालेंगे कितना होगा? 10। तो कहे आपने लिए 5 साल के लिए, तो पहले साल भी 10 रुपये तुम्हें ब्याज के रूप में, दूसरे साल भी 10 रुपये, तीसरे साल भी 10 रुपये, चौथे साल भी 10 रुपये, पाँचवें साल भी 10 रुपये। साधारण ब्याज वह होता है जैसे आपने किसी भी पर्सन से 100 रुपये या 200 रुपये लिए, तो जो ब्याज प्रथम वर्ष लगता है वही ब्याज तुम्हें 5 वर्षों तक बराबर बराबर लगेगा। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज SI बराबर PRT अपान 100। पी क्या होता है? मूलधन। टी समय। आर दर। यही एक फार्मूला होता है। इसी पे अगर साधारण ब्याज पूछे तो SI बराबर PRT अपान 100। एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर लेते हैं तो PRT इक्वल टू SI इंटू 100। अगर मूलधन पूछे तो PRT इसके अपान में कर देते हैं, P इक्वल टू SI इंटू 100 अपान RT। अगर पूछे यहाँ पे आपसे R इक्वल टू SI इंटू 100 PT। अगर टाइम पूछे तो SI इंटू 100 अपान RP। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यदि 2500 रुपये को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो 4 वर्ष के बाद साधारण ब्याज कितना होगा? SI बराबर PRT अपान 100। तो SI P प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 2500 रुपये, दर 8%, टाइम 4 वर्ष अपान 100, 0 से 0 कैंसिल, 25 × 32 800 रुपये। SI 800 रुपये। अगर ऐसे ना करना चाहते दूसरे तरफ से तो दर इंटू समय, दर कितनी है? 8 × 4 = 32, 32%। जब परसेंट हटाएंगे 32 अपान 100, 8 / 25, ये है मूलधन। 25 बता रहा है 2500 को, एक बताएगा 100 को, ये क्या है? ब्याज 8। तो कितना हो गया? 8 × 100 = 800 रुपये। 800 रुपये हो गया साधारण ब्याज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
यह 3,000 रुपये को 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है तो 3 वर्ष के बाद कितना ब्याज होगा? तो 3 वर्ष के बाद कितना ब्याज होगा? तो दर और समय की मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना हो जाएगा? 27%। तो 27% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 27/100। ये मूलधन बता रहा है मूलधन को। तो मूलधन कितना दिया है? 3,000। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक बता रहा है कितने को? 30 को। पूछा क्या है? ब्याज। तो ब्याज कितना है? 27 इंटू 30 हो जाएगा 810 रुपये। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। यह 2,000 रुपये को 3.2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है तो 6 वर्ष के बाद कितना ब्याज होगा? तो पी प्रिंसिपल कितना है? 2,000। आर रेट 6.17/2 टाइम 6 वर्ष। पूछा है क्या? SI साधारण ब्याज। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं दर और समय की, तो कितना हो जाएगा? 7/2 इंटू 21%। 21% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? परसेंट हटेगा 100 से भाग। 100 बता रहा है कितने को? ये प्रिंसिपल को बताता है हर वाला। 2,000। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक बता रहा है 20 को। पूछा क्या है? साधारण ब्याज जो होता है, ऊपर वाली वैल्यू बताता है 21 × 20 420 रुपये। अगर इस प्रकार से ना करना चाहे दूसरे प्रकार से, तो SI बराबर PRT/100। इसका करने का कोई मकसद नहीं है। P की वैल्यू 2,000, 7/2 × 6/100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 20 × 21 420। इस तरीके से भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 9,210 रुपये पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 4%, अगले वर्ष के लिए 3.2%, तीसरे वर्ष के लिए 2.1%, तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रिंसिपल कितना है? 9,210। रेट पहले वर्ष के लिए 4%, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए 3.1%, थर्ड ईयर के लिए 2.1%। तो तीनों साल में टाइम 3 ईयर्स, 3 ईयर्स में इसे दर कितनी हो रही है? अगर इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, 2, 9, आधी है कितना हो जाएगा? 10। तो 10%। तो इसका 9,210 का 10% निकाल दीजिए। 9,210 × 10
अपान 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए तो कितना 921। ये क्या आ गया, 3 साल का साधारण ब्याज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4 सही 1/2%, अगले वर्ष के लिए 5%, तीसरे वर्ष के लिए 2 सही 1/2, अगले वर्ष के लिए 3 सही 1/2% है, अगर कुल साधारण ब्याज 4900 रुपये प्राप्त होता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो प्रिंसिपल पता नहीं, प्रिंसिपल पूछा है। अब SI दिया है 4900 रुपये, 4900 रेट फर्स्ट ईयर के लिए 4 सही 1/2%, सेकेंड ईयर के लिए 5%, थर्ड ईयर के लिए 3 सही 1/2%। तो अगर टाइम दिया 3 वर्ष के लिए, यानी 3 ईयर्स इक्वल टू 5 4 9 9 9 3 12 और हाफ ये हो गया 1, कितना 13%। पी इंटू 13% इक्वल टू 4900 रुपये, ये दिया है क्या SI। जब परसेंटेज हटेगा तो 100 से भाग होता है, 13 3 39, तो पी इक्वल टू 300 × 100, तो पी इक्वल टू 30,000। प्रिंसिपल कितना आ गया, 30,000 रुपये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, 6 वर्ष के बाद 8%। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अगर समय 9 वर्ष है, टोटल समय 9 वर्ष है, तो SI इक्वल टू 1120 रेट पहले कितना दिया है 4% टाइम, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष, तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 8%। फिर क्या कह रहा है, 4 वर्ष के लिए 6%, 4 वर्ष के लिए 6%, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब कह रहा 6% का 6 वर्ष के बाद 8, तो टोटल समय कितना है, ये हो गया टोटल समय दिया है 9 वर्ष, तो यहां पर कितने वर्ष हो गए 6, तो अगला जो 8% है दर, 8% कितने समय के लिए मिलेगा 3 वर्ष के लिए,
तीनों को ऐड कर लेंगे तो रेट कितनी हो जाएगी, 56%। अब प्रिंसिपल पी, रेट कितनी हो गई टोटल, 56% इक्वल टू एस आई कितना दिया है, 1120। परसेंटेज जब हटेगा तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, 56 दूना 112, तो पी अपान 100 इक्वल टू 20। नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7% और 7 वर्ष से आगे 7.5% वार्षिक है। तो एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किए तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं पी प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 18,800 रुपये। रेट कह रहा 3 वर्ष के लिए, टोटल टाइम कितना है, 11 वर्ष। कह रहा 3 वर्ष के लिए दर कितनी है, 6%। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 18% प्लस। कह रहा अगले 4 वर्ष के लिए 7%, 7% अगले 4 वर्ष के लिए, तो सच ऑफ 28%। कह रहा अगले 7.5 वार्षिक दर, एक वर्ष अगले 7 वर्ष से आगे 7.5%, 7.5%। कितने वर्ष हो गए यहां पे, 7, तो टोटल वर्ष कितने हैं, 11, तो कितना बचा, 4। तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 30। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 76%। तो प्रिंसिपल कितना दिया है, 18,800 का 76% निकाल दीजिए अपान 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 188 × 76 गुणा कराएंगे इसकी, जब आ जाएगा 14,288 रुपये। तो इसका साधारण ब्याज कितना हो गया, 14,288 रुपये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई, यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या है। तो प्रिंसिपल कितना दिया है, 2100 रुपये कितनी हो जाती है 2 वर्ष में 2352। तो इसमें 2352 में जो
2100 रुपये मैंने दिए थे वो हैं, बाकी ब्याज है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 252 रुपये, 252। अब कह रहा एक ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, तो पहले कितनी ब्याज की दर थी मुझे नहीं पता और ना ही तो सवाल में दिया है। कह रहा 1% घटा दी जाए, तो 1% घटा दी जाए तो दोनों वर्ष के लिए कितने परसेंट हो जाएगी, 2 वर्ष, 1% कितने वर्ष के लिए, 2 × 2 तो कितना, 2% हो जाएगा। तो 2100 का 2% अपान 100, 42, 42 रुपये कम हो जाएंगे ब्याज से, तो कितना हो जाएगा, 210 रुपये नया ब्याज जो है 210 रुपये होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो गई, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। आठ सौ रुपये थे, कितनी हो गई 3 वर्ष में, 920, 3 वर्ष, क्या कह रहा है, 3% बढ़ा दी जाए दर समान समय अवधि के लिए, 3 वर्ष के लिए ही, तो टाइम इंटू रेट की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 9% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो 800 का 9% निकाल लीजिए, 800 × 9% हटेगा तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 72 रुपये और बढ़ जाएंगे, 72 रुपये इसमें ऐड कर दीजिए, 3% जब दर बढ़ा दी जाएगी तो 992 रुपये हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसी धनराशि पर 3 सही 3/4% प्रतिवर्ष की दर पर 2 सही 1/3 वर्षों का ब्याज 210 रुपये है, तो वह राशि कितनी है, यानी प्रिंसिपल पूछा है, तो रेट r = 3 सही 3/4 15/4%, टाइम कितना, 2 सही 1/3 तो 7/3, तो इसकी गुणा करा लेते हैं, r = 15/4 × 7/3 35/4%। तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सपोज कर लिखते हैं पी 35/4, परसेंट हटेगा तो 100 से डिवाइड, SI कितना है, 210, 7/5 35, 7 × 3 = 21, 5 × 6 = 30, p = 6 × 400, p = 2400 रुपये, तो वह राशि कितनी है, 2400 रुपये।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कितनी धनराशि 6 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 496 रुपये हो जाएंगे? तो हम सपोज कर इस समय कितना दिया है, 6 वर्ष, रेट कितना है 4, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 24%। तो हम सपोज कर लेते हैं कि प्रिंसिपल 100 रुपये है, तो 24% निकालेंगे इसका तो कितना हो जाएगा 124 बता रहा है कितने को, 496, 124 एकम 24, तो एक वैल्यू बता रहा है 400 की, तो क्या पूछा है प्रिंसिपल, तो 4 × 100 = 400 रुपये। तो कितनी धनराशि है, प्रिंसिपल कितना निकला है 400 रुपये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कितनी धनराशि 3 वर्षों के लिए 12/1/2% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4500 रुपये कम है? तो मूलधन व SI ज्ञात कीजिए। रेट कितनी है 12/1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8। तो अगर हम यहां पे 8 को प्रिंसिपल मान लें, PSI, 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है 1 रुपया, तो साधारण ब्याज में होता है जो पहले वर्ष मिलेगा वही दूसरे वर्ष मिलेगा वही तीसरे वर्ष, तो 3 वर्षों तक का कितना मिलेगा, पहले वर्ष 1 रुपया, दूसरे वर्ष 1 रुपया, तीसरे वर्ष 1 रुपया। तो मूलधन 8 और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 3। तो क्या कह रहा है, दर से लगा साधारण ब्याज और मूलधन से इतने रुपये कम है, साधारण ब्याज है जो मूलधन से 4500 रुपये कम है, तो इनका डिफरेंस कितने का है 5। 5 बता रहा है कितने को 4500, 1 बताएगा कितने को 900 को, तो प्रिंसिपल कितना माना है 8 रुपये, तो 900 × 8 7200, मूलधन कितना हो गया 7200। अब पूछा है साधारण ब्याज, तो 1 यूनिट बता रहा है 900 को, तो 3 यूनिट कितने को बताएगा 3 × 2 2700 रुपये, 2700 क्या आ गया SI साधारण ब्याज। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किसी धनराशि पर 4 वर्षों के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपये कम है, यद 16/2/3% दर हो, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दर 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, तो मूलधन 6 SI, पहले वर्ष 1 रुपया मिल रहा है ब्याज, तो साधारण ब्याज में जो पहले वर्ष मिलता है वही दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष चौथे वर्ष, पहले वर्ष 1, दूसरे वर्ष 1, तीसरे वर्ष 1, चौथे वर्ष 1, तो 4 वर्ष में कितना मिला SI 4। तो कह रहा है मूलधन व साधारण ब्याज में ब्याज 2200 रुपये कब मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 2।
दो कितने को बता रहा है? 2200 को। एक कितने को बताएगा? 1100। अब पूछ रहा है मूलधन, एक यूनिट बता रहा है 1100 को, तो 6 यूनिट कितने को बताएगा? 6600। 6600 ये क्या आ गया? मूलधन। एक यूनिट बता रहा है 1100 को, तो 4 यूनिट कितने को बताएगा? 4400। मूलधन आ गया 6600, साधारण ब्याज आ गया 4400। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 2100 रुपये की धनराशि को दो भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर है, तो द्वितीय भाग की धनराशि ज्ञात कीजिए। इस सवाल का कहने का मकसद ये है कि किसी पर्सन के पास, तुम्हारे पास 2100 रुपये हैं, आपने आधे पैसे, आधे या कुछ भी कम ज़्यादा किसी पर्सन को दो, अपने पैसे दो भागों में डिवाइड कर लिए, एक भाग किसी पर्सन को दे दिया, दूसरा भाग दूसरे पर्सन को दे दिया, दोनों पर्सनों से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो आपस में बराबर है। तो देखते हैं, सपोज करते हैं पहले P1 भाग किसी को दिया 6 × 24% इक्वल टू, P2 भाग दिया 18, 9 × 18% तो दोनों तरफ परसेंट है, परसेंट जब हटेगा 100 से डिवाइड, 100 से 100 कैंसिल, 3, 4, 4P1 इक्वल टू 3P2। जब ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों का LCM 12, 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 12, 3 और 4 ऐड करेंगे 7 यूनिट। 7 यूनिट कितने को बता रहा है? 2100। 2100 7 × 3 = 21, एक यूनिट बता रहा है 300 को। पूछा है द्वितीय भाग की धनराशि ज्ञात कीजिए, तो द्वितीय भाग की यूनिट कितनी है? 4। तो 4 × 300 = 1200। द्वितीय भाग की धनराशि 1200। अगर इसी में पूछता फर्स्ट भाग की धनराशि ज्ञात कीजिए, 3 × 300 = 900 रुपये। देखो इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है? 2100 आ रहा है कि नहीं? जो पूछे वही करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 5200 रुपये की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रथम भाग पर 3% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्षों में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर है, तो द्वितीय भाग की धनराशि ज्ञात कीजिए। पहले भाग की मान लेते हैं P1 ×
6 चौक 24% इक्वल टू P2 पांतियाँ 15। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 8। 8P1 इक्वल टू 5P2। जब दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका ले लेंगे एलसीएम 40, 5 8। इनको ऐड करें तो गए तो कितना हो जाएगा, 13 यूनिट बता रहा है कितने को, 5200। तेरह एकम तेरह चक्कू बावन। एक यूनिट बता रहा है 400 को, पूछा है द्वितीय भाग की धनराशि ज्ञात कीजिए, तो द्वितीय भाग की धनराशि कितनी है, 8 यूनिट इंटू 400, 3200 रुपये। अगर द्वितीय यूनिट की संख्या पूछता है तो 400 इंटू 5 20 2000 रुपये। ये भी पूछ सकता है कि प्रथम धनराशि और द्वितीय धनराशि में अंतर कितने का है, तो अंतर कितने का है इसमें, 3 यूनिट का, तो 3 × 400 1200 रुपये का अंतर है इन दोनों में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 2189 रुपये की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इनके ब्याज क्रमशः 1, 2 व 3 वर्षों में समान होते हैं, यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर 4% वार्षिक हो, तो सबसे कम धनराशि कितनी है। तो 3 भाग P1 1 × 4% इक्वल टू P2 2 × 4% इक्वल टू P3 3 × 4%। तो ऐसा देखेंगे कि तीनों में 4% कॉमन है, तो तीनों से 4% हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये P1 इक्वल टू 2P2 इक्वल टू 3P2। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 3 2। तो P1 P2 प्लस P3 तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। 11 यूनिट बता रहा है कितने को, 2189। तो काट देंगे इसे, एक यूनिट कितने को बताएगा, 199 को। अब पूछ रहा है सबसे कम कितनी धनराशि है, तो 2 × 189 डिवाइड कर, इसकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 398 रुपये। तो P3 की वैल्यू सबसे कम है, 398 रुपये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपये कितने वर्षों में 81 रुपये हो जाएंगे। तो 72 रुपये
कितने दिनों में 81 रुपये हो जाएंगे। तो इसकी दर कितनी दे रखी है, 6 सही 1/4, तो कितना आ जाएगा 25/4। तो इसका अगर एक साल का निकाला जाए मूलधन 72 × 25/4, परसेंटेज जब हटेगा तो 100 से भाग, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, 72/16, 9/2। एक वर्ष में कितना मिल रहा है, जब एक वर्ष में मिल रहा है 4.5 बढ़ रहा है, तो कितने वर्षों में ये बढ़ेगा 9, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो क्या कितने वर्ष हो जाएगा इसमें, 2 वर्ष। 2 वर्ष में 72 रुपये से 81 हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 रुपये 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाते हैं, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है तो 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ऑप्शन ए 1150, ऑप्शन बी 1400, ऑप्शन सी 1420, ऑप्शन डी 1300। तो क्या कह रहा है, 1000 रुपये थे, कितने हो गए 1200, कितने वर्षों में 2 वर्ष, 2 वर्ष में कितने बढ़े 200। तो अगर तुम देखो साधारण ब्याज में होता है जो पहले साल ब्याज मिलता है वही दूसरे साल वही तीसरे साल, अगर एक वर्ष का ब्याज पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई 100, अगर दर निकालना हो तो 100/1000, कहां से बढ़ रही है 1000 से, इंटू 100। कितने परसेंट, 10%। अब कह रहा 4% बढ़ा दी जाए तो 4% बढ़ा दीजिए 14%, कितने वर्षों के लिए 3 वर्ष, 14 × 3 42%। कह रहा 1000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो 1000 × 42% निकाल दीजिए 420, 420 ब्याज आ गया 3 साल का, तो कह रहा कुल कितनी हो जाएगी, तो 1000 ऐड कर दीजिए तो 1420 रुपये 3 साल के बाद हो जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राम ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर मोहन को उधार दे दी, 12 वर्षों के बाद उसे 960 रुपये का लाभ मिला, तो मूल राशि क्या थी। तो पी 8% पी 12% हो गई, कितने का प्रॉफिट लिया,
4% कितने वर्षों के लिए इंटू 12, 12 चौक 48%। 48% के कारण उसे कितने रुपये का लाभ हो रहा है? 960। 1% बता रहा है कितने को? 20 को। तो 100% वैल्यू कितने को बताएगा? 20 × 100 2000 रुपये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यदि कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। तो कोई धन था, 1 रुपये था, अपने आप का 5 वर्षों में, 5 ईयर्स में 3 गुना हो गया। आपने किसी पर्सन को 1 रुपये दिए, 5 वर्षों के बाद वह पर्सन तुमको 3 रुपये वापस कर दिया, तो कितने रुपये का ब्याज मिला? इन दोनों का अंतर कितना? 2। कितने रुपये का ब्याज मिला? 2। कितने वर्षों में? 5 ईयर्स। तो 1 ईयर्स निकालेंगे यहां से तो कितना हो जाएगा? 2/5। 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 40%। दर आ गई कितनी? r=40%। अगर यहां पे 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 × 40%। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यदि कोई धन 6 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। तो मैंने माना 1 रुपया था मेरे पास, मैंने किसी पर्सन को दिया तो कितना हो गया? 2 गुना हो गया। कितने वर्ष के बाद? 6 वर्ष के बाद। तो 1 रुपया तो इसमें 2 में वह है जो मैंने दिया था, और ब्याज कितना है इसका? डिफरेंस करेंगे 1। 1 रुपया ब्याज कितने दिनों में मिला? 6 साल में। तो 1 ईयर निकालेंगे यहां से तो 1/6। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 16/3%। तो दर निकल आई 16/3%, यही उत्तर है इसका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यदि कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो कितने समय में वह अपने आप का 64 गुना हो जाएगा? मानते हैं वह धन 1 रुपये था, कितना हो गया? 8। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो 8 में तो 1 वह मेरा रुपया समाहित है जो मैंने दिया था, तो ब्याज के तौर पे अगर इसका SI पूछा जाए तो कितना हो गया? 7। इन दोनों का डिफरेंस कितना? 7। अब यह कह रहा है कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। तो ये 64 में 1 रुपया तो वह है जो मैंने दिया था, तो ब्याज के तौर पर कितने रुपये मिल रहे हैं? 63। तो फर्स्ट वाले SI से सेकेंड वाले SI में भाग, ये कितना गुना अधिक है? 9 गुना अधिक है, तो टाइम भी 9 गुना अधिक होगा। तो 3 × 9
27 वर्षों में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। आइए देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यदि कोई धन 6 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है तो वह कितने समय में अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। तो 1 रुपया था मेरे पास, मैंने 6 वर्षों के लिए किसी पर्सन को दे दिया तो कितना गुना हो गया, 2 गुना। तो 2 में 1 रुपया हुआ है जो मैंने दिया था, तो कितना बढ़ गया SI इसका 1, इन दोनों का डिफरेंस 1। अब कह रहा है कितने समय में अपने आप का 10 गुना हो जाएगा, 10 डिफरेंस कितने का है, 9। 10 में तो 1 रुपया हुआ था जो मैंने दिया था और 9 रुपये उसने मुझे ब्याज के तौर पे दिए, 1 रुपया ब्याज मिल रहा है 6 वर्षों में, तो 9 रुपया कितने वर्षों में मिलेगा, 6 × 9 54 वर्षों में 9 रुपये ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कोई धन 2 वर्षों में 2100 रुपये तथा 5 वर्षों में 2250 रुपये बन जाता है तो धन व दर ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 2100 रुपये, 5 वर्षों में 2250, 3 वर्ष में इनका डिफरेंस करेंगे 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में कितना बढ़ गया, 150। 3 यूनिट बता रहा है 150 को, 1 यूनिट बताएगा 50 को, 3 यूनिट बता रहा है 150 को, 1 यूनिट बताएगा 50 को। अब पूछा है मूलधन, जब 1 वर्ष में 50 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा, 2 वर्ष में 100 रुपये। अगर 100 रुपये 2100 में से माइनस कर दिया जाए, मूलधन बराबर 2100 माइनस 100, मूलधन व धन 2000 रुपये था, प्रॉफिट कितने हो रहा है, 50 रुपये का, कहां से, अपान 2000 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, 5/2, तो इसे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सही 1/2%, दर आ गई 2 सही 1/2%। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कोई धन 5 वर्षों में 10,000 रुपये, 7 वर्षों में 10,800 हो जाता है तो मूलधन व दर ज्ञात कीजिए। 5 वर्षों में कितना हो रहा है, 10,000, 7 वर्षों में कितना हो रहा है, 10,800 रुपये। 2 वर्ष इधर बढ़े तब कितना धन बढ़ गया, 800 रुपये, यानी 2 यूनिट बता रहा है 800 को, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 400 रुपये, 1 वर्ष में 400 रुपये ब्याज हो जाएगा SI। तो जब 1 वर्ष में मिल रहा है 400 रुपये तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4×5=20, 5 वर्ष में ब्याज 400 × 5 2000 रुपये। तो पी प्रिंसिपल मूलधन 10,000 माइनस 2000
तो मूलधन कितना आ गया 8,000 रुपये। अब पूछ रहा है दर रेट, एक वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है 400 रुपये अपान मूलधन, मूलधन कितना है 8,000 × 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 40/8 5%, तो रेट कितनी निकल आई 5%। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से 12.2% तक बदलाव होने से उसकी आय में 104 रुपये आय घट गई, उसका मूलधन ज्ञात कीजिए। 13% आय थी, कितनी हो गई 12.5, कितने की कमी आई मूलधन इंटू दर में परिवर्तन, कितना हुआ परिवर्तन 1/2% की वजह से इसकी आय में कितने की कमी हुई 104 रुपये। जब परसेंट हटता है तो 100 से भाग हो जाता है, P/200 = 104, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा P = 104 × 200, P = 00802, तो मूलधन कितना है इसका 20,800 रुपये। मैं आशा करता हूँ कि साधारण ब्याज आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको मैं बहुत ही मेहनत और लगन के साथ में पढ़ाता हूँ, तो आपका भी इतना दायित्व बनता है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।